मैं यति महाराज आप सभी का मेरे दैनिक यति राशिफल चैनल के इस नए साल 2022 के विशेष वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आपकी सिंह राशि के लिए नया साल 2022 का कैसा बीतेगा इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी सिंह राशि वालों को नए साल 2022 की बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नया साल 2022 का आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के साथ साथ खूब खुशियां, सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य और आपकी सभी मनोकामना पूर्ति करने वाला हो। यह मेरी आपके लिए शुभकामना है नए साल की और आशीर्वाद भी है। मेरा यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आपकी जन्म कुंडली में अगर आपकी सिंह राशि हो तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपके लिए आपके कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, धन, परिवार, वैवाहिक जीवन, संतान, भाग्य, स्वास्थ्य, आपके लिए क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा आदि अनेक छोटी बड़ी बातों के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी बारीकी से दूंगा आपको। और अगर आप सिंह राशि के जातक है तो मेरा यह वीडियो पूरा बहुत शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें और मेरे बोले हुए हर एक शब्द पर आप जरूर ध्यान देना। और जब आप पूरा वीडियो देख लें और वीडियो आपको अगर पसंद आए और उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में आप इसको वीडियो को लाइक करें और साथ में ही कमेंट बॉक्स में आपकी राशि के स्वामी सूर्य पूरे साल आपको शुभ फल देते रहे इसलिए ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस नए साल में आपके लिए कौन कौन से बड़े ग्रह अपनी राशि बदलकर किस स्थान से निकलेंगे, किस स्थान में जाएंगे या कहाँ कौन सा स्थान में आएंगे और कौन से स्थान में जाएंगे। तो सबसे पहला राशि परिवर्तन जो है आपके लिए 17 मार्च को राहु और केतु का होगा। अभी वर्ष के शुरू में राहु आपके 10वें कर्म स्थान में और केतु आपके चौथे सुख स्थान और माता स्थान में गोचर कर रहे होंगे और 17 मार्च को राहु आपके 10वें कर्म भाव से निकलकर आपके 9वें भाग्य भाव में मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु जो है आपके चौथे सुख स्थान से निकलकर आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में प्रवेश करेंगे, वह तुला राशि होगी। इसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा यह जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर जब ये राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे उसके पहले दूंगा। दूसरा राशि परिवर्तन दिनांक 13 अप्रैल 2022 को दोपहर 3:45 पर गुरु का होगा, जो साल के शुरू में आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, अब आपके अष्टम मृत्यु स्थान में अपनी ही मीन राशि में गोचर करेंगे। 28 जुलाई 2022 को मीन राशि में गुरु वक्री हो जाएंगे और फिर 23 नवंबर 2022 को अपनी ही राशि में वापस मार्गी भी हो जाएंगे और साल के अंत तक अपनी खुद की मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। तीसरा राशि परिवर्तन आपके लिए इस साल में 29 अप्रैल 2022 को सुबह 7:51 पर शनि का होगा, जो साल के शुरू में आपके छठे रोग, रण और शत्रु स्थान में गोचर कर रहे थे, वो 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके आपके 7वें जीवन साथी और साझेदार स्थान में अपनी ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 4 जून को कुंभ राशि में वक्री होंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 23 अक्टूबर को फिर से मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे और अगले साल 17 जनवरी 2023 को यह कुंभ राशि में वापस प्रवेश कर जाएंगे। यह तीन बड़े ग्रह इस साल में आपके लिए अपनी राशि परिवर्तन करके स्थान बदलेंगे और इनके राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा या असर पड़ेगा मैं सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का अलग अलग वीडियो बनाकर पोस्ट करूंगा और मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह नया साल आपके लिए कैसा बीतेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291 इस नंबर पर केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं। बाकी सप्ताह में मैं व्यस्त रहता हूँ, इसलिए कृपया आप मेरे को फोन ना करें, मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा। मेरे व्हाट्सएप के राशिफल का भी एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उस लिंक के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप राशिफल के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जहां मैं रोजाना दैनिक राशिफल पोस्ट किया करता हूं। और थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल के बाद में ऊपर भी आप
जो मेरे राइट साइड में ऊपर कोना है वहां पर मेरे जो खास वीडियो है या महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, उनका लिंक भी आप देख रहे हैं। आप उस लिंक को क्लिक करके भी मेरे वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि नया साल 2022 का आपके लिए कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कैरियर का मामला 2022 के साल में कैसा रहेगा आपके लिए। आप सिंह राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि सिंह है और आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। इस साल में आपकी राशि पर बुध का प्रभाव अधिक रहेगा, या यूं कहूं कि इस साल आपकी जो राशि है सिंह, बुध के प्रभाव क्षेत्र में रहेगी। इसलिए यह नया साल आपके लिए मिले जुले परिणाम वाला रहेगा और आपकी बुद्धिमत्ता, समझदारी, विवेक शक्ति के आधार पर अच्छा, और आप इसको सफल बना सकते हैं। साल के शुरुआत में जब ग्रह अपनी पुरानी चाल में रहेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले से चलता आ रहा है। लेकिन मार्च अप्रैल महीने में जब तीन बड़े ग्रह राशि बदलेंगे तो इसका सीधा असर आपके जीवन और दिनचर्या पर पड़ेगा। विशेषकर शनि के राशि परिवर्तन से आपके दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन पर इसका प्रभाव अधिक रहेगा। शनि जीवन साथी स्थान में बैठकर दाम्पत्य सुख में कुछ कमी करेगा तो साझेदारी के प्रति भी, जो आपके कोई व्यापार में साझेदार आदि है तो साझेदार के प्रति भी असहज स्थिति आपकी बनेगी। व्यापार में कुछ छोटे छोटे लाभ मिलेंगे लेकिन बड़ा लाभ जो है समय पर मिलना आपके लिए मुश्किल होगा। पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी लेकिन मित्र से धोखा मिल सकता है। आपके जीवन साथी की सेहत इस साल कुछ नरम गरम रहेगी और आपको साल के शुरू में प्रेम प्यार में सफलता मिलेगी लेकिन साल के अंत तक आप साथ भी रह पाएंगे इसमें भी शंका रहेगी। वैसे आपके भाई बहन के लिए उन्नति के रास्ते खुलेंगे और आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। साल के मध्य में आप अपनी संपत्ति या कारोबार को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। कानूनी मुद्दों से इस साल में आपको दूर रहना ठीक रहेगा। जून से अक्टूबर के बीच में धार्मिक खर्च अचानक से आपके बढ़ेंगे और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं या कोई धार्मिक आयोजन में खर्चा कर सकते हैं। इस साल में आपके फैसले भी कुछ गलत हो सकते हैं जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपने अगर कोई बड़ा निर्णय सोच समझ कर लिया तो मुश्किल में कमी जरूर आएगी। नवविवाहित जोड़े कुछ समय तक असहज रहे नवविवाहित जोड़े जो होंगे वो थोड़े समय तक सहज रहेंगे, फिर आपसी टकराहट शुरू होने के भी चांस बन सकते हैं। इसमें आपको समझदारी से काम लेकर आपस में तालमेल बैठाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, सफलता मिलने वाली है। संतान की तरफ से तो आपको साथ सहयोग मिलेगा लेकिन आपके कुछ फैसले संतान को भी विचलित इस साल में कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में स्वास्थ्य का पाया आपका थोड़ा नरम रहेगा। कुल मिलाकर यह साल सामान्य तौर से देखें तो ठीक ठाक ही बीत जाएगा। अभी तक मैंने आपको साल के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, अब मैं आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में यह साल कैसा बीतेगा इस बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं। और सबसे पहले देखते हैं कि कैरियर के मामले में आपका यह साल कैसा रहेगा। नया साल 2022 में कैरियर की शुरुआत अच्छी खासी रहेगी और पहले की तरह ही आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। साल के शुरू शुरू में आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में गुरु रहेंगे और लग्न भाव पर सीधी दृष्टि रखेंगे, इसलिए व्यापार आदि में लाभ की स्थिति और पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती रहेगी। आप चाहे तो इस समय में अपने आय के लिए कोई और अलग सरल रास्ता भी खोज सकते हैं। बेरोजगारों को साल के शुरू में रोजगार पाने में आसानी रहेगी और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी पहले 3 महीने अपने कार्यस्थल पर कार्यस्थल पर साथ और सहयोग मिल जाएगा। साथ ही आपकी प्रतिष्ठा भी मिलेगी, आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लेकिन गुरु के 8वें मृत्यु स्थान में आने के बाद में लाभ तो मिलेगा लेकिन मन हमेशा चिंतित या विचलित बना रहेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। अप्रैल में जब शनि आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में आएंगे तो आपके शत्रुओं में यानी कि आपके कार्यस्थल पर जो है कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा। आपकी ख्याति और उन्नति को लोग चैलेंज करेंगे और आप देखेंगे कि साल के शुरू में आपके लिए कैरियर का जो ग्राफ है वह अच्छा था लेकिन धीरे धीरे वह थोड़ा टफ होता जा रहा है, कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है। लेकिन साल के मध्य में और साल के अंतिम भाग में थोड़ा आप अपने कैरियर को या कैरियर की उन्नति को लेकर के थोड़ा कम संतुष्ट रहने वाले हैं। अब देखते हैं व्यापार और नौकरी के लिए यह आपका नया साल कैसा बीतेगा। नया साल 2022 का आपके लिए व्यापार और व्यवसाय के लिए शुरुआती महीने अच्छे रहेंगे, आपको लाभ मिलता रहेगा।
आप इस समय में अपने व्यापार को सुव्यवस्थित स्थिति में लाकर और कोई थोड़ा बहुत फेर बदल करके किसी खास नीति के तहत अपने व्यापार व्यापार या व्यवसाय को विस्तार करने का काम करेंगे तो इसका लाभ आपको आगे पूरे साल मिलेगा। लेकिन साल के मध्य में अंतिम साल के मध्य से लेकर अंतिम साल के भाग तक आपको कई प्रकार की कठिनाइयों और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका व्यापार विदेश से किसी प्रकार के आयात और निर्यात से जुड़ा है तो आप ठीक ठाक इस साल में लाभ कमा पाएंगे, लेकिन यह साल आपकी नौकरी और जॉब के लिए कठिनाइयां लेकर आया है। जब गुरु और शनि अप्रैल में राशि परिवर्तन करके कर लेंगे तो आपकी समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। आपको अपने कार्यस्थल पर लोगों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। आपके जूनियर आपसे आगे बढ़ सकते हैं और उनका सम्मान भी थोड़ा बढ़ सकता है। आप अपनी कुछ गलतियां और कुछ गलत निर्णय का शिकार भी इस साल में हो सकते हैं, इसलिए सलाह है कि इस साल में अपने फैसले सोच समझ कर लें और किसी के साथ में व्यापार हो या नौकरी हो प्रतिस्पर्धा में न पड़े। अब देखते हैं कि नया साल आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। नया साल 2022 का आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि साल के शुरू में आपकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत बनी रहेगी और लाभ भी आपको बराबर मिलता रहेगा। लेकिन साल के मध्य में आपको धार्मिक खर्च थोड़े बड़े रूप में करने की नौबत आ सकती है, और अगर आपने बिना सोचे समझे खर्च किया तो इसका असर साल के अंत में आपको महसूस भी होगा। वैसे आप काफी झीवट वाले होने के कारण हर परिस्थिति को सहज में समझ भी जाते हैं और सहन भी कर लेते हैं, और यही सब इस साल में आपके पक्ष में भी रहेगा कि आप लाभ हानि दोनों को लेकर सहज भाव से अपने काम में लगे रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही यह साल आप काफी कुछ हासिल करने में और लाभ पाने में सफल रहेंगे। नौकरी करते हैं तो इस साल में आपको अपनी बचत बढ़ाने के लिए गैर जरूरी खर्चे कम करने पड़ेंगे, क्योंकि साल के शुरू में तो सब कुछ सामान्य चलता रहेगा, लेकिन मध्य साल के साथ ही धन आपके लिए चिंता बढ़ाने वाली स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन इस साल में आपकी समझदारी ही आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर सकती है। अब देखते हैं कि इस साल में आपकी संपत्ति के लिए यह साल कैसा रहेगा। नया साल 2022 का आपके लिए संपत्ति के मामले में सामान्य रहेगा। जो आपके पास संपत्ति है उसको बचा कर रखें, इस साल में उसको बेचने की भूल ना करें। लेकिन साल के शुरू में आप संपत्ति बढ़ाने की सोच रहे हैं तो जरूर बढ़ा सकते हैं, आपके लिए ये भाग्यशाली सिद्ध होगी। और इस दौरान आपको संपत्ति हासिल करने में आपके परिवार और साथी आपकी काफी मदद भी करेंगे। इस साल में आप भूमि भवन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सोना खरीदने से पहले सोचें और बाद में ही कोई निर्णय करें। अगर आपके पास में वाहन नहीं है तो अप्रैल के महीने में या जुलाई के बाद में आप अपना वाहन ले सकते हैं। अगर आपकी आय जैसे कि किराया या ब्याज आदि से होती है तो इस साल में यह आय आपकी बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर आप इस साल में कोई पुराना मकान या मकान का रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या सुधार करवाना चाहते हैं तो आप इस साल में जरूर करवाएं और करवा भी पाएंगे। वैसे संपत्ति के लिए यह साल आपके लिए सामान्य बना रहेगा। अब देखते हैं कि यह नया साल आपके पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा। यह नया साल आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। आपके पुराने रूठे रिश्तेदार फिर से आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहें तो आप उनका हंसकर स्वागत कर सकते हैं। इस साल में शुरू में ही आपके परिवार में बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है किसी की शादी हो जाए या जो विवाहित है तो और वो संतान की अगर सोच रहे हैं तो उनको संतान संबंधी अच्छे शुभ समाचार भी इस साल में मिल जाएंगे। वैसे एक बात आपके हित में इस साल में जरूर रहेगी कि आप अपने परिवार के साथ सभी मुद्दों पर एक होकर रहेंगे और परिवार में खुशियां भी आपके बढ़ेगी। भाई बहन के साथ हर मुद्दे पर आपकी सहमति बनी रहेगी और आपके विचारों का स्वागत भी आपके भाई बहन इस साल में करेंगे। दूसरी बात कि इस साल में आपको पिता का सुख और माता का सुख अच्छा मिलेगा, और आपकी बहुत करीबी जो आपके लिए जो बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड के लोग होंगे वह आपके लिए इस साल में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। हालांकि जो कुछ नए लोग आपके मिले उनके ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि मित्रता में धोखा खाने का योग भी आपके लिए बना हुआ है, इसलिए आप अपने जो फैमिली फ्रेंड है उन पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, वो आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाले हैं।
इसके अलावा आपके जो आजू बाजू के पड़ोसियों हैं, पड़ोसी होंगे, उनके साथ में आपका रिश्ता रिश्ता और हमेशा अच्छा व्यवहार बना रहेगा, लेकिन आपके घर के सामने वाले जो पड़ोसी होंगे उनके साथ में कहीं रिश्ता न बिगड़ जाए, इस बात को आप निश्चित कर लेना। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह साल परिवार के लिए आपके अच्छा बीतने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नए साल में आपका वैवाहिक सुख और आपका जो प्रेम जीवन है या प्रेम का सुख आपको कितना मिलने वाला है। 2022 का नया साल आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ाने वाला और आपके प्रेम जीवन को लंबी आयु देने वाला रहेगा। वैसे देखें तो जब सप्तम जीवन साथी स्थान में शनि आएगा तो एक बार तो कुछ बड़ी हलचल हो सकती है आपके वैवाहिक जीवन में, जिसमें आपका जीवन साथी आपके लिए कुछ परेशानी बढ़ा सकता है, लेकिन यह सब कुछ बहुत लंबा नहीं चलेगा। बस चाय के उबाल जैसा एक बार ज्वार होगा, जल्दी ही वापस शांत भी हो जाएगा। और आपका जीवन साथी वैसे भी समझदार होता है, इसलिए ऐसे किसी मुद्दे को लंबा खींचना भी वह नहीं चाहेगा जिससे आपको परेशानी बढ़े या परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आए। बस आप कोई ना समझी ना करें और अड़ियल रवैया अपना कर गलत फैसले ना करें। इस साल में आपका प्रेम भी अच्छा खासा और मधुरता से चलेगा। हालांकि इसमें भी साल के अंत में कुछ प्रेमियों के जो प्रेम है उसके अंत होने का समय हो सकता है कि आ जाए, और दोनों की समझ की वजह से ऐसा हो सकता है कि दोनों प्रेमी जो है साथ छोड़ दे आपस में और मतभेद बढ़ेंगे प्रेमियों के बीच में। मगर अगर कुल मिलाकर देखें तो प्रेम जीवन में आपके समस्याओं के साथ में साल का जो अंत होगा वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर प्यार प्यार होता है, जल्दी ही सब कुछ फिर से वापस अच्छा हो जाएगा। इस साल में अविवाहित का विवाह साल के शुरू में होने के प्रबल योग बनेंगे और जो पहले से विवाहित है उनको संतान का सुख मिलने का संकेत भी मिल रहा है। प्रेम को भी आप शादी के रिश्ते में बदल सकते हैं, लेकिन शनि का सप्तम स्थान में गोचर होने से कहीं धोखा न खा जाए शादी विवाह के मामले में, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कुंडली आदि मिलान करवानी पड़ेगी, उसके बाद में ही कोई आप रिश्ता तय करेंगे तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं कि नए साल में आपको संतान सुख किस प्रकार से रहने वाला है। संतान के लिए यह नया साल 2022 का सामान्य रहेगा। हालांकि संतान की खुशी से बढ़कर आपके लिए इस साल में कुछ नहीं होगा, इसलिए आप अपने बच्चों की हर प्रकार से मदद करने को भी तैयार रहेंगे। इस साल के शुरू में आपके घर में नए बच्चे की किलकारियां गूंजने का योग है। अगर आप युवा दंपति है तो मौका मिलने के पूरा योग मिल जाएगा संतान मिलने का पूरा योग बन जाएगा। इसके बाद में अगस्त और अक्टूबर में भी आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी संतान युवा है तो साल के शुरू में और साल के अंत में विवाह योग बनेंगे। आपके बच्चे इस साल में शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपका नाम भी रोशन करेंगे। वैसे यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे खेलकूद में भी रुचि रखते हो तो आप उनकी रुचि को और बढ़ाने में उनकी सहायता करें, और आगे चलकर ये बच्चे निश्चित ही खेल के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज का आपका किया हुआ सहयोग जो है उनके बहुत काम आएगा और अच्छा रहेगा उनके लिए। यह साल संतान के लिए आपके अच्छा बीतने वाला है। अब देखते हैं कि इस साल में आपका जो स्वास्थ्य है वह किस प्रकार से रहेगा। इस साल में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग पिछले काफी समय से बीमार है उनके लिए ये साल का जो शुरुआती समय रहेगा वह उत्तम रहेगा। इस समय में वो अपने सेहत को लेकर जागरूक रहेंगे तो बीमारी से मुक्ति भी पा जाएंगे। लेकिन अप्रैल के बाद में समय आपके लिए आपकी राशि से संबंधित बीमारियों से लड़ने का रहेगा। आपकी राशि के अनुसार आपको सिर दर्द होना, चक्कर आना, आंख नाक कान मुंह में कुछ न कुछ परेशानी जैसे छाले हो जाते हैं, गड़ जाते हैं आदि, उसके अलावा अपच है, अजीर्ण है जैसी तकलीफ भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर है या कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन आदि भी आपको जल्दी पकड़ लेगा या घेर लेगा। सितंबर और अक्टूबर में आप अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं, नहीं तो दुर्घटना आदि भी घट सकती है। इस साल में आप जितना अधिक गुड़ चावल दूध दही और फल आदि खाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपकी सेहत के लिए भी यह मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी रहने वाली है। अब मैं आपको
जो सिंह राशि की महिलाएं हैं उनके विषय में कुछ विशेष बातें बता देता हूं कि उनका यह साल कैसा बीतने वाला है। आप सिंह राशि की महिला है तो आपके लिए यह साल जो नया साल है 2022 का साधारण से कुछ अच्छा बीतेगा। और अगर तुलना करें पिछले साल की तो जो गलतियां आपने पिछले साल की थी वह इस साल में ना दोहराए तो यह साल आपके लिए पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा बीतेगा। खास करके जो महिला विवाहित है और गृहिणी है उनके लिए यह साल एक बेहतरीन साल रहेगा। आपका जीवन साथी भी आपके प्रेम में मोह में रहेगा और आपकी सादगी और शालीनता पर हमेशा मोहित रहेगा। और अगर आप अविवाहित है और रिश्ता तो आपके आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता बन नहीं रहा है तो आप अपने बाएं हाथ में लाल रेशमी डोली डोरी जो है अपने कलाई में बांध ले तो आपका रिश्ता जल्दी हो जाएगा। अगर आप नौकरी करती हैं तो आपके लिए यह साल वेतन वृद्धि का रहेगा। आपके काम में आपके साथी और बॉस भी खुश रहेंगे मगर कुछ साथी आपकी इसी बात से जलते भी रहेंगे और वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे। मगर आप उनका मुकाबला ना करें, अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहें। आप युवा हैं और विवाहित है और संतान की इच्छा है तो साल के शुरू में आपको खुशखबरी मिलने के योग हैं। फिर उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर का महीना भी आपके संतान के लिए उत्तम रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन इस साल में अच्छा रहेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके सम्मान आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। दैनिक कार्यों में आपको उतावल नहीं करने की सलाह है। खास करके खाना बनाते समय आप सावधानी रखें और अगर आप मांसाहार करती है तो इस साल में कम करें। सात्विक भोजन इस साल में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता आपको मिलेगी और नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इस साल में आपका प्रेम जीवन उठा पटक वाला थोड़ा रहेगा। प्रेमी की अनैतिक इच्छाओं और मांगों को न मानने में ही आपकी भलाई है। वैसे तो ऐसा कुछ सबके साथ बल्कि नहीं होने वाला है, ऐसा सबके साथ नहीं होगा बल्कि किसी किसी के साथ होगा। और आपका वर्चस्व इस साल में आपके प्रेमी के ऊपर कायम रहने वाला है। आप इस साल में संपत्ति और स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में पड़ सकती हैं। इस विषय में आपकी कुंडली में जो ग्रह होंगे उसके अनुसार ही इस साल में आपको थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। जो मैं फलादेश बता रहा हूँ इस फलादेश में और आपकी कुंडली के जो ग्रह है उसके फलादेश में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसलिए आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ को जरूर बताएं ताकि आपको इस साल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। वैसे यह साल जो है आप सिंह राशि की सभी महिलाओं के लिए ठीक ठाक और अच्छा एक तरह से कहूं तो गुजर जाने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे और वीडियो के अंतिम भाग में मैं आपको कुछ इस साल के अंदर करने योग्य बातें और सावधानी रखने योग्य बातें बता रहा हूं। आप यह भाग जो है बहुत सावधानी से देखें समझें और ऐसा अगर करेंगे तो इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य का अंक एक होता है, इसलिए इस साल में आपके लिए 1, 10, 19 और 28 तारीखें शुभ रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इस साल आपकी राशि जो है बुध के प्रभाव में रहेगी, इसलिए 5 का अंक भी आपके लिए शुभ रहेगा। और इस हिसाब से अगर देखें बुध का जो 5 अंक है वह भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इन तारीखों में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं और कोई नया काम भी आप कर सकते हैं। इस साल में आपको बुध जो है व्यापार में सहायता करेगा और कोई नया व्यापार करने को प्रेरित करेगा, इसलिए आपके हर फैसले में बुध की समझदारी और बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण रहने वाली है और यही सब आपके लिए लाभ का रास्ता भी खोलेंगे। जो आपको जो भी कहना है किसी के लिए जो कहे सामने कहे, पीठ पीछे किसी के ना कहे, जो बोले सच बोले, झूठ ना बोले, जिससे भी वादा करे या उनको भरोसा दे उसको समय पर निभाए। तो सूर्य बुध की जो युति रहेगी आपके लिए सभी अड़चनों और मुश्किलों को दूर करने में बहुत सहायता करेगी। इस साल में आप नियम बना ले कि
कि जब भी घर से बाहर जाएंगे तो गुड़ या कोई ना कोई मीठी चीज या मीठा खाकर बाहर जाएंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले आप मीठा जरूर खाएंगे, फिर बाहर जाएंगे तो एक तो ठीक रहेगा, या फिर मीठा कहीं मान लो नहीं हो तो एक पान जरूर आप खाएं तो आपके सभी काम सफल होंगे। इस साल में आपके लिए बुध का स्वस्तिक नवग्रह यंत्र बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इसलिए सिद्ध किया हुआ यंत्र बुध का स्वस्तिक यंत्र अपने घर में और व्यापार स्थान में आप लगाएं और नियमित उसका धूप दीप अगरबत्ती से पूजन करें। इससे आपके जो वैवाहिक जीवन में कुछ समरसता जो है वह बढ़ेगी, समस्या का थोड़ा निदान होगा और शांति भी आपके घर परिवार में बनी रहेगी, उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार होगा। इस साल में आप जब कभी किसी रास्ते में आते जाते बहेलियां के पास में तोते को पिंजरे में कैद देखें तो उनको पैसे का मूल्य चुकाकर आसमान में तोतों को उड़ाकर आजाद करवा दें, यह आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा। वैवाहिक जीवन में कुछ अनहोनी से बचने के लिए सदैव हरे भरे पेड़ में पानी सींचे और बुधवार को गणपति जी को मीठा भोग लगाकर प्रसाद बांटे। आपके लिए मिथुन राशि, मेष राशि, कुंभ राशि और तुला राशि के लोग अच्छे सहायक मित्र साबित होंगे। इस साल में आप अपनी कुंडली की दशा महादशा के अनुसार कोई नग पहन सकते हैं या फिर माणक और मूंगा या पन्ना आदि भी पहन सकते हैं। रविवार, मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल में ससुराल से संबंध अच्छे बनाकर रखें और उनके समारोह आदि में उत्सुकता से भाग लें और जीवन साथी के साथ हमेशा सच्चे मन से समर्पित भाव से रहें। यह था आज के वीडियो में सिंह राशि के लिए नया साल 2022 का वार्षिक राशिफल जो आपने देखा, और अगर आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य ही लिखें। अभी तक मैंने मेरे चैनल में 4 वीडियो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के 2022 के वार्षिक राशिफल का पोस्ट कर दिया है। यह मेरा सिंह राशि का 5वां वीडियो है। अगला वीडियो 6ठा मैं कन्या राशि का वार्षिक राशिफल पोस्ट करूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए अपनी राशि का नए साल का वार्षिक राशिफल का वीडियो। अब अगले कन्या राशि के वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।